हरियाणा के फतेहाबाद में प्रशासन की लापरवाही के चलते बरसात के पानी से भरे गड्ढे में गिरने से 25 वर्षीय एक युवक की मौत हो गई। घटना के बाद नाराज लोगों ने सड़क पर जमा बरसाती पानी के बीच तख्त और बेंच डालकर रोड को ब्लॉक कर दिया और मौके पर इकट्ठे हो सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। मौके पर वार्ड के पार्षद भी पहुंचे और उन्होंने भी सीधा आरोप जन स्वास्थ्य विभाग पर लगाया कि बस्ट जारी होने के बावजूद भी जन स्वास्थ्य विभाग ने अपना काम समय पर पूरा नहीं किया। क्या मामला था आज का? जो मामला था, अपना भांजा था जी, सुरेश कुमार जी, जैसे ही सुबह दूध लेने निकला है वहाँ पानी भरा खड़ा था रोड पे जी। मैं निकला उसका पाँव फसला, सुबह सुबह खुला पड़ा था, उसमें उसका बैलेंस खराब हो गया, वो गिर गया, गिरने से उसके पानी चला गया अंदर और उसकी डेथ हो गई। क्या नाम था? महेश कुमार जी। फादर नेम? फादर मोहन लाल जी। उम्र कितनी है? उम्र होगी जी 26-27 साल। कब से यहाँ रह रहा है ये और कौन सी गली में रहता है ये? कहाँ जा रहा था ये? ये दूध लेने जा रहा था जी सुबह। कहाँ जा रहा था दूध लेने? दूध ये दुकान पे जाता होगा जी, रोड पे क्रॉस करके। क्या काम करता था ये? रिक्शा वगैरह का काम करता था। फादर क्या करते थे? फादर ये रेडी वगैरह लगाते हैं। किस चीज़ की? यही वो प्रचून की। और आपकी क्या मांग है? मांग तो ये इनकी समस्या हल की जाए जी, रोड जो कर रखा है इसको वो करा जाए जी, बाकी कोई सरकार आर्थिक सहायता देती है तो इनको गरीब आदमी बेचारे। तो आपने किसको सूचना दी थी? सूचना ये पार्षद को दी थी हमें। क्या नाम? क्या मामला हुआ और क्या कर रही? आज मामला ये है कि बारिश आती है, जब भी थोड़ी सी आधा घंटा बारिश आ जाए, 10 मिनट आ जाए, 2 घंटे आ जाए, हमारी सड़क का बुरा हाल हो जाता है, पूरी सड़क पे पानी ही पानी हो जाता है। अब नगर परिषद ने पब्लिक हेल्थ को 62,75,000 रुपये जो कि ये लिखित में है, इनको दिए थे कि आपने यहाँ जितना भी जल है, जितना भी बारिश का पानी आता है इसके निकालने की पाइप डालो, पर इन्होंने कि वो पाइप ना डालकर इन्होंने सीवर लाइन की पाइप लाइन डाल दी। ये किससे पूछ कर? और हमें भी सबको अंधेरे में रखा गया है। हमको इन्होंने ये कहा था भी ये बरसात की पानी की लाइन डल रही है, हमारी सारी सड़क, हर इंसान खुश था भी चलो इतनी मुद्दत बाद हमारा ये क्लेश तो डला। आज क्या हुआ जी? आज ये हुआ कि आज सुबह एक लड़का जो कि हमारी गली में महेश कुमार सनौ श्री मोहन लाल, वो कि 25-26 साल का है, बाप बेटा दोनों ही है, उसके घर में कोई और नहीं है। सुबह उसने अपने पापाओं का भी मैं चाय बनाता हूँ दूध लेके आ रहा हूँ, तो ये अमर कलात हाउस के पास ये इन्होंने सीवरेज की पब्लिक हेल्थ वालों ने आज से 10 दिन पहले सफाई की है, वो इन्होंने गंद उठाने की कोई वो नहीं की आज तक कोशिश। उस लड़के का पांव उस ईंट के बट्टे के साथ लगा और मुंह के बल वो गिर गया, तो जैसे ही मुंह के बल गिरा उसके मुंह में एकदम पानी, बारिश का पानी खड़ा, इतना पानी खड़ा हो जाता है आधे घंटे की बारिश में भी अब बुरा हाल है, ये आपके सामने ही है। जैसे ही मुंह के बल गिरा उसकी सांस घुटकी, उसकी उठने की खुद की हिम्मत नहीं हुई। बाद में कोई 10 मिनट बाद हमारे यहाँ चाहत ऑप्टिकल वाले निक्कू ग्रोवर जी, उन्होंने एकदम देखा भी कोई गिर गया है, उन्होंने फटाफट किसी एक और आदमी को आवाज़ लगाई, इतने में मेरे को भी बाहर बुला लिया। हमने जाके उसको सीधा किया और देखा तो उसके अंदर कुछ नहीं था। फिर मैंने 102 नंबर पे कॉल की, 5 मिनट के अंदर एम्बुलेंस आ गई, उन्होंने भी देखा, वो कहते भी इसमें शायद कुछ नहीं है, और मौके पर नागरिक अस्पताल ले। अब क्या मांग है जी आपकी? हमारी ये मांग है कि यहाँ का पानी निकाला जाए और लड़के को उसके बाप को उसका मुआवजा दिया जाए और ये सड़क का कोई हाल हुआ पड़े। हर आदमी परेशान है ना, दुकानदारों का बुरा हाल है, हमारी देखो सारी तरफ आप घुमा के देख लो, सारी तरफ आप कैमरा घुमा कर देख लो, एक दुकान शोक स्वरूप सारी दुकानें बंद है। और इसके अलावा भी अगर यहाँ पानी की समस्या का समाधान नहीं होता तो भी ये पानी, ये दुकानें हमेशा बंद रहेंगी, तो हमारे पास कोई कस्टमर तो आ नहीं सकता, तो हम जाके इनकी कोई मुकाम तो दे पब्लिक हेल्थ वालों की भी, ये तुमने क्या हाल कर रखा है। वो देखिए उस बच्चे की मृत्यु पे बहुत ही शोक प्रकट करता है, बड़े दुख के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा काम, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी जो हुई, परंतु उसके पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है, पोस्टमार्टम के बाद जो भी जांच में निकल के आएगा हम उस पर न्यायोचित उचित कार्रवाई। सर जो वहाँ के आसपास के जो बाशिंदे हैं उनका आरोप है कि लापरवाही जो है विभागों द्वारा आपसे खींचतान की वजह से हुई है और बार बार कंप्लेंट करने की जांच की जाएगी, इसकी जांच की जाएगी, विस्तृत जांच की जाएगी, कोई किसी प्रकार किसी दोषी को नहीं बख्शा जाएगा, अगर कोई दोषी पाया जाता है। सर परिवार की तरफ से कुछ बात सामने आई है कंपनसेशन की या किस तरह की? नहीं अभी तक कोई नहीं आया है, लेकिन जो सरकार के नियम है वो कंपनसेशन। वही घटना की जानकारी मिलने पर स्थानीय विधायक दोड़ाराम भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने पूरी घटना की जानकारी ली। जो भी हुआ है
मौत हुई है, गलत हुआ है, गरीब आदमी के गलत हुआ है और सरकार की हमदर्दी है और जो भी सुधार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो इसके खिलाफ अभी इसके पर्सन में क्या ऐसा जो अभी मीटिंग ली है, मीटिंग ले रहे हैं, आगे परमानेंट एग्जाम करेंगे। तो गरीब आदमी जैसे मैंने कहा ना, गरीब आदमी बहुत बड़ी रिपोर्ट आ जाएगी। कितना टाइम लग जाएगा सर? सरकार की तरफ से इमदाद करेंगे और जो खिलाफ किसके लापरवाही उसके खिलाफ। कब तक ये काम हो जाएगा? आज अभी लोग कंप्लेंट दौर पानी अभी 2 घंटे में खाली कराने का आदेश दिया है मैंने, 2-3 घंटे में पानी खाली हो जाएगा ये। और परमानेंटली अभी मीटिंग ले रहे हैं ताकि दोबारा नेक्स्ट परमानेंट एग्जाम हो, ताकि दोबारा पानी की दिक्कत ना। हरियाणा के फतेहाबाद से किशोर कुमार की रिपोर्ट, D5 चैनल हिंदी।